तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीआरएसई के स्टॉक के बारे में। जीआरएसई के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हाईर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 2.26% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अब स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ सब रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 917 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 977, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1000, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1051, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1100, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1200 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो या तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 881 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन या हमको स्टॉक में 858 एंड देन या हमको स्टॉक में अगेन 829 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।